तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2024 का ये क्वेश्चन जो कि वर्क एनर्जी चैप्टर से है, ये है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन अ स्पेस इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 2x² + 3y³ + 2z। यानी कि कोई स्पेस है तो उसमें आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी को जो आपको फंक्शन दिया गया है कि वो ऐसे वेरी कर रही है कि वो है 2x² + 3y³ + 2z। और हमको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑन पॉइंट P। एक पॉइंट P है आपका 1, 2, 3 मीटर पर है, उसका हमको बताना है कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका x कंपोनेंट क्या है। तो दोस्तों पॉइंट जो है, पॉइंट हमारा क्या है, P है। पॉइंट हमारा P है 1, 2, 3 पर और हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, तो हम कैसे यहाँ से फोर्स को निकाल सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जिन फोर्स का जो वर्क है वो आपका सिर्फ पाथ पे आपका डिपेंड नहीं करता है, वो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसको मैं चाहे इधर से उसको ऊपर ले जाऊं, इधर से उसको ऊपर ले जाऊं या इधर से उसको ऊपर ले जाऊं, सब में अगर हाइट सेम है तो वर्क सेम होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है, ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जैसे ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह वगैरह। तो अब ये है आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसका एक रिलेशन होता है माइनस ऑफ du बाय dx। ये होता है माइनस ऑफ du बाय dx, ये होता है आपका वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है आपका माइनस du। और फोर्स जो है आपका होता है, क्योंकि एफ डी एक्स आपका वर्क डन होता है, तो फोर्स आपका हो जाता है du बाय dx। तो फोर्स आपका हो जाता है du by dx। तो अब यहाँ से आप माइनस du by dx करके आसानी से फोर्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, du by dx करना है और हम ये सारी डायरेक्शन में करते हैं। जैसे कि अगर आपको फोर्स अगर x डायरेक्शन में निकालना है तो आप इसको ऐसे ले लिखते हैं डेल d by dx या फिर डेल by dx, इसको आप ऐसे लिखेंगे 2x² + 3y³ + 2j। अब जब आपको x कंपोनेंट निकालना है तब y और z दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि x को आपको वैरी करवाना है तो y और z जो है आपके खुद ही कांस्टेंट हो जाएंगे, वो वैरी नहीं होंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन होगा, आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है आपका जीरो होता है, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन खुद ही जीरो हो जाएगा, तो इनको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब डी वाई डी एक्स 2x² को आप कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप जानते हैं x की पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है आपका, वो n x n माइनस 1 हो जाता है। तो यहां से क्या होगा, अब 2x² है, अब 2x² है तो यहां से ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4x आपका हो जाएगा। अब हमें चाहिए x, हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है, p पॉइंट पर जिसका 1, 2, 3 आपको दिया हुआ है। यहां पर माइनस du by dx था तो यहां पर माइनस भी आएगा, तो अगर हमें 1 पे निकालना है तो हम x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये -4 × 1 आपका हो जाएगा -4। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड तो हम माइनस को हटा भी सकते हैं, मॉड ऑफ -4 मैग्नीट्यूड ऑफ -4, तो ये सिर्फ आपका 4 बचेगा, तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आप y के लिए भी निकाल सकते हैं, y के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2x² + 3y³ आपका z जो भी है वो आपका होगा। तो आप तब क्या करेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे फोर्स तो आपका ये एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे आप सारी फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर आपसे पूरी फोर्स का मैग्नीट्यूड मांगे तो आप एक्स वाई और जेड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। कैसे, आप अंडर रूट ऑफ, अगर आपको पूरी फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप एक्स की फोर्स का स्क्वायर प्लस वाई की फोर्स का स्क्वायर प्लस जेड की फोर्स का स्क्वायर का अंडर रूट ले सकते हैं, तो ये आपका पूरे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हमसे सिर्फ एक्स कंपोनेंट का पूछा था तो उसका आंसर हम मिल गया 4। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही और जेपीवाई क्वेश्चन हम नीचे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से। और आप डेली एमसीक्यूज के लिए कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं बायोलॉजी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।